हेलो फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज प्लियोट्रोपिक इनहेरिटेंस। आज का मेरा टॉपिक है प्लियोट्रोपिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रोपिक मीन्स क्या होता है? प्लियोट्रोपिक ग्रीक वर्ड से बना हुआ। प्लियो प्लियो मीन्स होता है मैनी, ट्रोपिक मीन्स क्या होता है? अफेक्टिंग, दैट इज मल्टीपल इफेक्ट ऑफ जीन। तो होता क्या है, एक जीन कंट्रोल करता है एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को, और जब मोर देन वन जीन मोर देन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को स्टेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक। तो क्या होता है, जो मोस्टली समझ लीजिए, क्या एक जीन जो होता है, एक जीन कंट्रोल वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर के या फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। तो ये होता है एक जीन एक कैरेक्टर एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। और जब एक जीन वन जीन जब एक जीन जो है मोर देन कैरेक्टर मोर देन फिनोटाइपिक, यानी एक से अधिक फिनोटाइपिक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को शो करता है तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। तो इसे क्या कहेंगे? प्लियोट्रोपी। एक वो वास्तव में क्या होता है, एक जीन कंट्रोल करता है वन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को। जब एक जीन एक से अधिक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। प्लियो मीन्स क्या होता है? मैनी, टॉपिक माने होता है अफेक्टिंग। इसका मतलब क्या हो, मल्टीपल इफेक्ट ऑफ जीन, यानी जीन पर मल्टीपल इफेक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपी। तो प्लियोट्रोपी द मतलब क्या है? द बेसिस ऑफ, इसका बेस क्या होता है? द बेसिस ऑफ प्लियोट्रोपी, यानी प्लियोट्रोपी की बेसिस क्या होती है? प्लियोट्रोपी, द बेसिस ऑफ प्लियोट्रोपिक प्लियोट्रोपिक मेटाबोलिक, क्या होगा? मेटाबोलिक पथ। तो मेटाबोलिक पथ पे से क्या होता है, डिफरेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस होते हैं, तो डिफरेंट फिनोटाइप्स कब होते हैं? मेटाबॉलिक पॉथ पे, ड्यू टू डिफरेंट ऑफ फिनोटाइपिक एक्सप्रेस, द बेसिस ऑफ प्लियोट्रोपी मेटाबॉलिक पॉथ पे के कारण क्या होता है, ऐसा होता है। तो क्या होता है, जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, यानी जीन जो होता है एक से अधिक कैरेक्टर को जो शो करता है तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। फिर क्या होता है, प्लियो मीन्स क्या होता है? मैनी, टॉपिक माने क्या होता है? अफेक्टिंग इफेक्टिंग मल्टीपल इफेक्ट ऑफ जीन। तो जीन व्हिच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, एक से अधिक कैरेक्टर को जब शो करता है, जैसा बताया हमने वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर या वन मोर देन वन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक। तो जीन व्हिच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर नोन एज प्लियोट्रोपिक जीन। तो प्लियोट्रोपिक को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक के या प्लियोट्रोपिक, या हम इसे कह सकते हैं प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक जीन। तो जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर नोन एज प्लियोट्रोपिक जीन, यानी मोर देन वन कैरेक्टर, वन जीन कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स, यानी एक जीन जो होता है कंट्रोल करता है मल्टीपल ट्रेट्स को, वन जीन कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स सच एज वन जीन कंट्रोल सच एज पी प्लांट, लेथायरस ओडोरेटस, क्या है? लेथायरस ओडोरेटस पी प्लांट। तो क्या होता है, स्वीट पी, तो क्या है, वन जीन कंट्रोल सीड कोट कलर को, फ्लावर कलर को, रेड स्पॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफ। तो एक जीन सीड कोट कलर को भी, फ्लावर के कलर को, रेड स्पॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफ को कंट्रोल करने वाला जीन होता है।
तो उसे हम क्या कहते हैं, पीलियोट्रॉपी। इसके और भी एग्जाम्पल हैं सच एज सिकल सेल एनीमिया, फेनल कीटोन्यूरिया। तो अब पहले हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया में किस प्रकार से क्या होता है, पीलियोट्रॉपी होती है। तो जीन्स फॉर सिकल सेल एनीमिया SBS इन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ग्लूटामिन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। तो ग्लूटामिन जो है अमीनो एसिड जो होता है रिप्लेस कर जाता है किसमें, वैलिन में। यानी जो ग्लूटामिक एसिड होती है एक इसमें रिप्लेस हो जाती है वैलिन में। ये सिक्स पोजीशन होती है, सिक्स पोजीशन और ये भी सिक्स पोजीशन है, सिक्स पोजीशन अमीनो एसिड की, अमीनो पोजीशन। तो सिक्स पोजीशन ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस कर जाते हैं किसमें, वैलिन में, अमीनो एसिड में। तो इसे क्या होता है सिकल सेल, जो RBC का जो शेप होता है बाइकॉनकेव होता है। तो किस शेप में हो जाता है, बाइकॉन में सिकल शेप हो जाता है। सिकल से मतलब क्या, हसिया के आकार का हो जाता है। तो जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया SBS में बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ग्लूटामिन इज रिप्लेस बाय वैलिन। यानी जो ग्लूटामिन होती है वो किसमें, वैलिन में क्या होता है रिप्लेस कर जाती है। होता क्यों, म्यूटेशन से। इसको हम कह रहे थे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। एग्जाम में पूछा था इन विच आर द फॉलोइंग पॉइंट म्यूटेशन, तो क्या सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल आप पॉइंट म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, एक ही पॉइंट पे जब म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है सिकल सेल एनीमिया होती है। तो जीन ग्लूटामिक इसे पेयर बाय वैलिन, वैलिन में क्या ग्लूटामिक जो छठवीं पोजीशन होती है अमीनो एसिड की वो क्या होता है वैलिन में रिप्लेस हो जाती है। म्यूटेंट HBS यानी जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन होती है वो चेंज कर जाता है शेप ऑफ एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट में क्या है RBC, एरिथ्रो में क्या होता है RBC, साइड में होता है सेल और एरिथ्रो में होता है रेड ब्लड। तो बाइकॉनकेव डिस्क, इसका शेप क्या होता है बाइकॉनकेव होती है और किस शेप में कलर चेंज हो जाता है सिकल सेल यानी हसिया के आकार का हो जाता है। तो देखिए ये हमारा क्या है सिकल सेल एनीमिया क्या पॉइंट म्यूटेशन क्या, जो नॉर्मल HBA जो नॉर्मल होता है हीमोग्लोबिन का ए होता है, ए देखिए हमारा HBA पेप्टाइड बॉन्ड है और ये क्या होता है हमारा SBS पेप्टाइड बॉन्ड है। तो देखिए नॉर्मल HBA जो होते हैं अभी बाइकॉनकेव डिस्क में होता है क्या RBC। अब देखिए जो इसकी अमीनो एसिड जो सीक्वेंस होता है CTC, सी मतलब साइटोसिन थायमिन साइटोसिन। अब साइटोसिन ग्वानिन की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, थायमिन एडनिन की और साइटोसिन ग्वानिन की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, डीएनए में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो देखिए क्या है कि जो ये हमारी वैलिन हिस्टिडिन ल्यूसिन थ्रोनिन प्रोलिन ग्लूटामिक एसिड, ये देखिए जो छठवीं पोजीशन है ग्लूटामिक एसिड की, इसमें एब नॉर्मल कंडीशन में क्या वैलिन में चेंज हो गई। यानी जो ग्लूटामिक एसिड जो होती है वो किस में रिप्लेस हो जाती है वैलिन में चेंज हो जाती है, वैलिन में क्या होती है रिप्लेस हो जाती है। तो ऐसा क्यों, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, तो इसका शेप कैसा होता है सिकल शेप हो जाता है। तो द डिफेक्ट कॉज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन हीमोग्लोबिन। तो एल्टर्स द SBS हीम क्या होता है SBS RBC सिकल सेल हो जाती है, रिजिड होती है, शॉर्ट लिव हो जाती है। इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का लो कंटेंट होती है, ऑक्सीजन के लो कंटेंट होने का क्या होता है सिकल सेल में हो जाता है। तो इसमें क्या बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। लेकिन एक और फायदा होता है, फायदा ये होता है कि जो सिकल सेल एनीमिया कंडीशन जो रोग होते हैं उनको मलेरिया नहीं होती, क्योंकि इसमें जो मलेरिया पैरासाइट होता है अपना घर नहीं बना पाता है। तो कहने मतलब ये देखिए नॉर्मल SBA पेप्टाइड बॉन्ड है, SBA जीन है, तो CTC GAG क्या है mRNA पे, CAG फॉर्मूला तो क्या वैलिन हिस्टिडिन ल्यूसिन थ्रोनिन प्रोलिन ग्लूटामिन एसिड। जब जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएगा आपने। तो क्या है वैलिन पहली अमीनो पोजीशन है, दूसरी क्या हिस्टिडिन है, तीसरी क्या ल्यूसिन है, फोर्थ क्या थ्रोनिन है, फिफ्थ क्या प्रोलिन है और छठवीं क्या है ग्लूटामिक एसिड है, ये SBA पेप्टाइड है। तो ये क्या है नॉर्मल कंडीशन है, क्या है नॉर्मल SBA। तो अगर एक कंडीशन होती है तो SBA का शेप क्या होता है बाइकॉनकेव होता है, नॉर्मल रहता है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट बराबर बना रहता है और हीमोग्लोबिन का शेप सही रहता है क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से हो सकता है। लेकिन सपोज दैट क्या होता है म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन हो गया, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है क्या CAC GTG CUG में क्या होता है, तो वैलिन हिस्टिडिन ल्यूसिन थ्रोनिन प्रोलिन तो सही रहता है, अब ग्लूटामिक एसिड क्या होता है
वैलिन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि रिप्लेस हो जाता है, तो एब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। अब हम देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल फिनल क्यूटोन्यूरिया का। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है मेरा, फिनल क्यूटोन्यूरिया। तो प्लियोटोपिक इनहेरिटेंस का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फिनल क्यूटोन्यूरिया। इसमें भी क्या होता है, वन जीन का कोड क्या होता है, फिनल एलेनिन हाइड्रोलेज। ये क्या होता है, नॉर्मल हमारा एंजाइम होता है। अब इसमें क्या होता है, अगर चेंजेज हो गया है, म्यूटेशन हो गया, तो फिनिल एलेनिन क्या होता है, जो एंजाइम होता है फिनिल एलेनिन हाइड्रोलेज होता है, फिनिल एलेनिन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। तो आप देखिए फिनिल एलेनिन के कन्वर्जन से क्या होता है, ये हमारा जो CNS सिस्टम होता है, यानी जो इसमें जो हमारा रिप्लेस हुआ है, कन्वर्जन हुआ, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या होता है, रिड्यूस करेगा। और इसमें अगर परिवर्तन हुआ टायरोसिन में, तो अगर इसमें टायरोसिन में कन्वर्जन हो गया मेरा हुआ, तो क्या होता है टायरोसिन का, तो ये क्या होता है, जब मतलब जो है इसमें होगा तो मिलेनिन का लॉस होगा। तो इसके क्या होता है साइड इफेक्ट, क्या मिलेनिन रिटार्डेशन होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, यानी क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन की जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो डाउन हो जाती है, तो मेंटल रिटार्डेशन होता है। रिड्यूस आप हेयर स्किन पिगमेंट, अब टायरोसिन से फॉर्म क्या होगा, हेयर और स्किन क्या होते हैं, क्या पिगमेंट लॉस हो जाएगा, एलेनिन का केस हो सकता है। पुअर एब्जॉर्प्शन, किडनी की एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है, घट जाती है। तो वास्तव में क्या होता है, ये भी क्या होता है, जो फिनल क्यूटोन्यूरिया जो डिजीज होती है, ये इरर मेटाबॉलिज्म है, इरर मेटाबॉलिज्म के कारण क्या है, फिनल क्यूटोन्यूरिया हो जाती है। ये भी क्या होती है, जो डिजीज होती है, ये डिजीज जो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, तो फिनल क्यूटोन्यूरिया जो होती है क्या है, इरर मेटाबॉलिज्म के कारण होती है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। वास्तव में क्या होता है, वन जीन कोड क्या होता है, फिनिल एलेनिन हाइड्रोलेज होती है, जो नॉर्मल कंडीशन में होती है। अब इसमें क्या होता है, म्यूटेशन सिंगल म्यूटेशन के कारण हुआ है, जब हुआ म्यूटेशन हुआ तो फिनिल एलेनिन क्या होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम जो होती है फिनिल एलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, इससे क्या टायरोसिन, तो अगर इसमें कन्वर्ट हुआ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डैमेज होता है, उस प्रभावित होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, और टायरोसिन ड्यू टू काजेज ऑफ मिलेनिन, इससे क्या होता है, रिडक्शन ऑफ हेयर पिगमेंट होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी होती है, क्योंकि ये किडनी के मतलब क्या है, ये दीज आर मतलब क्या है, क्यों होता है, रिड्यूस होता है, दीज आर एक्सक्रीटेड, मतलब एक्सक्रीटेड यूरिन, यानी यूरिन के थ्रू मतलब एक्सक्रीट होगा, इसीलिए क्या होगा, जब होगा इसीलिए जो होता है, दीज आर एक्सक्रीटेड बाई एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन के द्वारा ही ऐसा होगा, इसीलिए क्या होता है, जो पुअर एब्जॉर्प्शन, किडनी की जो पावर एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, घट जाती है। फिर समझ लीजिए फिनिल क्यूटोन्यूरिया क्या होता है, इरर मेटाबॉलिज्म होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, वन जीन जो नामक अमीनो एसिड होता है फिनिल में हाइड्रोलेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब इसमें म्यूटेशन होता है तो फिनिल एलेनिन क्या होता है, फिनिल एलेनिन हाइड्रोलेज एंजाइम जो होता है उसमें क्या है, फिनिल एलेनिन में कन्वर्ट होता है, इससे क्या होता है, ये इसमें इसका डेरिवेटिव फॉर्म होता है टायरोसिन, ये दोनों अच्छे नहीं होते, इससे क्या होता है, फिनिल एलेनिन से मेंटल रिटार्डेशन होता है, और ड्यू टू टायरोसिन रिड्यूसेस ऑफ हेयर स्किन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दीज आर ऑल्सो स्ट्रीटेड थ्रू यूरिन के थ्रू क्या होता है, स्ट्रीट होता है, इसीलिए किडनी की जो होती है एब्जॉर्प्शन पावर होती है वो क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।